हांसिंग सुबह सुबह चिल्लाते हुए उठती है और कहती है, कहाँ है मेरा भाई, मुझे उसके साथ पार्टी में भी जाना है। ये सुनकर चौंक गई हुई रहती है स्टाफ, क्योंकि वो तो कब का मर चुका हुआ है। लगता है हांसिंग का कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब होने लगा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है, हांसिंग कंपनी का एक स्टाफ हैकिंग कर रहा होता है। वहाँ पर सेक्रेटरी आता है तो कह देता है, यहाँ पर वाईफाई सही पकड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी देर के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ और यहाँ से तुरंत ही चला जाऊँगा। उसके जाते ही हांसिंग का रिपोर्ट डाउनलोड कर लेता है। दूसरी तरफ यंगपाल अपने क्लिनिक में बैठा हुआ रहता है तो एक नोटिस आता है, तो वो देख कर चौंक जाता है और सीधा एक्स चेयरमैन की वाइफ को कॉल करता है कि न जाने क्यों कोर्ट से नोटिस आया है, और कहती है कि मैं पता करती हूँ। और ये तो अपना अलग ही ग्रुप बनाई हुई रहती है हांसिंग को बर्बाद करने के लिए यंगपाल के सामने, तो ये तो केवल अच्छे बनने की नाटक कर रही थी। हैकर यंगपाल के पास पहुंचता है उससे मिलने के लिए और रिपोर्ट दिखाने के लिए, मगर संडे को तो बंद रहता है, मगर यंगपाल उसको बुला लेता है। यंगपाल रिपोर्ट देखते हुए बताता है कि ये 31 साल की औरत है और इसे लीवर कैंसर है सेकेंड स्टेज का। नाम देखते ही वो समझ जाता है और चौंक भी जाता है हांसिंग के बारे में ये जानकर। तो वो एक्स चेयरमैन की वाइफ को कॉल करता है बात करने के लिए। तो वो पूछता है कि क्या हांसिंग को कैंसर है क्या। तो एक्स चेयरमैन की वाइफ कहती है, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है। तो वो हैकर कहता है कि मेरे बारे में नहीं बोलने के लिए इशारों में वो आई थी कल मिलने के लिए, तो मुझे महसूस हुआ। तो एक्स चेयरमैन की वाइफ कहती है कि मैं जा रही हूँ उसी से मिलने के लिए और मैं पता करती हूँ। तो यंगपाल कहता है कि उससे ये भी पूछ लेना कि मैं आ जाऊँ 13th floor पर, अगर तुम नीचे नहीं आ सकती 1st floor पर तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए। एक्स चेयरमैन की वाइफ हांसिंग के घर पहुँचती है तो अब वहाँ पर स्टाफ उसको मालकिन की तरह ट्रीट करती है, क्योंकि अब तो हांसिंग रास्ते से हट जाएगी तो अब ये मालकिन बनने वाली है इस वजह से। तो हांसिंग से मिलती है तो उससे बात करती है, मगर हांसिंग का कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने के कारण वो बात नहीं कर पाती। ये जानकर अंदर ही अंदर खुश होती है एक्स चेयरमैन की वाइफ और बाहर आके यंगपाल से बात करने लगती है और कहती है, हांसिंग तुमसे मिलना नहीं चाहती। तो यंगपाल कहता है, कल आई तो थी मिलने के लिए, अब अचानक ऐसा क्यों नहीं मिलने की बात। एक्स चेयरमैन की वाइफ कहती है कि वो आखिरी मुलाकात था और वो ये भी कही थी कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है किसी हॉस्पिटल में या 13th floor पर, ना ही वो और किसी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाना चाहती है। और ये बोलकर फोन काट देती है। और यहाँ यंगपाल सोच में पड़ जाता है कि मैंने बोला क्या था, जवाब क्या आया। और एक्स चेयरमैन की वाइफ के सामने सेक्रेटरी आता है और दोनों एक दूसरे को स्माइल देते हैं, मगर दोनों मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मौका मिलते ही मार देना है सामने वाले को। एक्स चेयरमैन की वाइफ वहाँ से चली गई हुई रहती है तो सेक्रेटरी अंदर आता है और एक मीटिंग रखने की बात करता है घर में। और वहाँ पर हेड स्टाफ बोलती है कि जोर से नहीं बोलने के लिए, नहीं तो हांसिंग सुन सकती है। मगर अब हेड सेक्रेटरी को उसको डर ही नहीं रहता है हांसिंग का। हेड स्टाफ सजेशन भी देती है कि क्यों ना हांसिंग को गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दे, अगर गेस्ट आते भी हैं तो पता नहीं चलेगा हांसिंग को, इससे हमें शाम को मीटिंग में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सेक्रेटरी परमिशन दे देता है तो हांसिंग को लेकर पहुंच जाती है गेस्ट हाउस हेड स्टाफ। वहां पर फिर से एक्स चेयरमैन की वाइफ द्वारा चुना हुआ स्टाफ पे पानी लेके आई हुई रहती है फिर से। इस बार हेड स्टाफ सब कुछ समझ रही होती है तो उसको कह देती है यहां से जाने के लिए। उसके जाने के बाद हांसिंग पानी के लिए बोलती है तो हेड स्टाफ पानी के जग को उठा कर तोड़ देती है और कहती है हांसिंग को कि ये आप क्या कर रहे हैं, होश में आइए होश में आइए। हांसिंग तो एक ही चीज़ रिपीट कर रही होती है, पानी के लिए पानी।
और हेड स्टाफ हांसिंग को लेकर काफ़ी दुखी रहती है और उसे तो अपनी बेटी की तरह मानती है। और दूसरी तरफ यंगपाल बैठा हुआ रहता है, सोच रहा होता है कि काफ़ी अजीब है। तब तक वहाँ पर बॉडीगार्ड भी आकर बैठ गया हुआ रहता है। तो बॉडीगार्ड यंगपाल का छोटा भाई बना हुआ रहता है, तो वो भी बोलने लगता है कि हाँ काफ़ी अजीब है कि मैडम से 3-4 दिनों से बात नहीं हुआ, नहीं तो रेगुलर कॉल करती थी। तो यंगपाल पूछता है क्या तुम बात करते थे हंसी से? तो वो बॉडीगार्ड बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मैडम के कहने पर आपका भाई बन के बॉडीगार्ड का काम कर रहा था। यंगपाल पूछता है कि तुम यहाँ बॉडीगार्ड का काम कर रहे हो, ये किसको पता है? तो वो बॉडीगार्ड बताता है हाँ मैडम के अलावा हेड स्टाफ को ही पता है और किसी को भी नहीं। तो यंगपाल कहता है कोई फ़ोन लगाने के लिए, तो बॉडीगार्ड फ़ोन लगाता है हेड स्टाफ को। तो हेड स्टाफ फ़ोन उठाती है तो बोलती है कि तुम्हारे बड़े भाई का रिंग गेस्ट हाउस में रखा हुआ है, आकर ले जाना, 7 बजे से पहले आना, उसके बाद गेस्ट आने वाले हैं। और पड़ोसी कुत्ता बार बार अंदर आ जाता है, उसे भगाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, ये बोलकर फ़ोन काट देती है। सारी बातें कोड वर्ड में बोल देती है क्योंकि फ़ोन रिकॉर्डिंग हो रहा होता है घर के सभी लोगों का। और यहाँ पर यंगपाल सोच में पड़ जाता है और पूछता है बॉडीगार्ड से क्या तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है? तो बॉडीगार्ड कहता है कि क्या नहीं, तो मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, अनाथ। यंगपाल समझ जाता है कि ये उसी के बारे में बात हो रहा है और एक तरह से तो यंगपाल बॉडीगार्ड का बड़ा भाई हुआ। और यानी रिंग का मतलब है हांसिंग को लेने जाना है 7 बजे से पहले और वो गेस्ट हाउस में है। और आगे बॉडीगार्ड बताता है कि एक घर में घुसने के लिए जाली में छेद किया था मैंने कुत्ते को घुसने के लिए, यानी उसी रास्ते से हमें जाना होगा हांसिंग को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव पुलिस कार से जा रहा होता है जो कि यंगपाल का काफ़ी अच्छा दोस्त भी बन चुका हुआ है। और यंगपाल का फ़ोन आता है तो चल देता है डिटेक्टिव पुलिस। और दूसरी तरफ यंगपाल चल देता है हांसिंग को पहुँचाने के लिए गेस्ट हाउस।